आप सभी लोगों की जो क्लास चलती है मॉर्निंग में, करंट अफेयर डेली 5:30 बजे चल रही है, ठीक है। तो आज मैंने बताया था आप लोगों को, टाइटल में भी देखा होगा आप लोगों ने थंबनेल में, कि 29 जून यानी कि विशेष क्या रहेगा। अभी डेली तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तो मैं कराता ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा टॉपिक जिस पर हम लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए या चीजें याद भी हो जाए, ठीक है। तो COVID-19 कैंपेन और ऐप, जो इम्पोर्टेंट COVID-19 से जुड़े हुए कैंपेन और ऐप हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को डेली, अब आपका अगले 7-8 दिन यानी कि इस वीक के अंदर COVID-19 से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमें बनेंगे वो करंट में आएंगे आपके, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है और जो ऐप है उनके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक। तो कल जो मैंने क्लास ली थी उसी क्लास के लगभग लगभग आपका 1-1.5 घंटे के बाद मैंने कमेंट्स देखा था, तो वहां पर एक अदनान अहमद करके स्टूडेंट है, तो उन्होंने काफी सारी चीजें लिखी थी और बहुत सारे बच्चों ने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था बच्चों का, ठीक है। जैसे कौशल हो गया, कृष्णा हो गया, ठीक है, इन बच्चों को मैंने रिस्पॉन्स भी देखे थे, तो बढ़िया रिस्पॉन्स थे, ठीक। तो उस कारण से मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बताना चाहिए, ठीक। तो ये जो COVID-19 कैंपेन और ऐप का जो आइडिया मैंने अगर लिया है तो कहाँ से लिया है, अदनान अहमद करके स्टूडेंट है, उनके द्वारा जो कमेंट्स किए गए थे उसी आधार पर रखे गए, ठीक। तो आज डेमो के लिए मैं आपको 3 या 4 जो आपके कैंपेन है उनके बारे में बता दूंगा। डेली हम लोग 5 इंपॉर्टेंट जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं, चाहे राज्य सरकार के द्वारा, चाहे आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अदर के द्वारा, ठीक, जो भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं तो बिल्कुल उनको हम लोग आधार मानते हुए चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, अपना फीडबैक जरूर देना इसके बारे में। पहला ही हम लोग देखते हैं, देख लीजिए आप लोग, पहला ही कैंपेन जो आप लोगों को दिख रहा है, ब्रेक द चेन। आप लोगों ने कमेंट्स अगर पढ़ा होगा, बच्चे ने अच्छे से भेजा हुआ था, ठीक है। ब्रेक द चेन, ये कैंपेन किसने चलाया था, क्या पूछा गया आपका, कि यहाँ पे क्या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए ब्रेक द चेन करके एक कैंपेन चलाया गया था, तो किसने चलाया, तो ध्यान देना, केरला लॉन्च ब्रेक द चेन कैंपेन टू बचे कॉम्बेट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, समझ लो, केरल ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए ब्रेक द चेन अभियान को शुरू किया था। तो ये स्टार्टिंग में ही शुरू कर दिया था, समझ लो, कब आपका, लगभग लगभग मार्च मंथ में ये शुरू किया गया था, किसके द्वारा, केरल राज्य सरकार के द्वारा। तो इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है, समझ लो। आज सिर्फ डेमो रखा था मैंने आप लोगों के लिए, तो आगे इसी तरह से हम लोग डेली COVID-19 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस तरह से पढ़ते रहेंगे, ठीक। दूसरा, कोरोना कवच। अब कोरोना कवच आप लोगों को याद होगा कि कोरोना कवच भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, कोरोना कवच भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया, इंडिया हैज द लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट बच्चे आपका ट्रैकिंग ऐप कॉल्ड द कोरोना कवच, ठीक है। अब इसको, ये जब पहले स्टार्टिंग में कोरोना कवच को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे रिप्लेस किया गया और 2 अप्रैल 2020 को भारत सरकार के द्वारा एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, समझ लो। और उस मोबाइल एप्लीकेशन को क्या नाम दिया गया आपका, आरोग्य, आरोग्य सेतु, ठीक है ना। इसके स्थान पर क्या आ गया था आपका, आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन जो आपका बाद में लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, उसने कोरोना कवच को क्या करा, रिप्लेस करा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको विकसित किसके द्वारा किया गया, तो एनआईसी के द्वारा इसे क्या किया गया आपका, विकसित किया गया, ठीक है। एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा इसे डेवलप किया, जो बनाया गया आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया आपका, तो ये बनाया गया आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा बनाया गया, ठीक है। जस्ट 1 मिनट बच्चा, यहाँ पे कुछ स्लोगन है, मैं स्लोगन भूल गया। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोगों को, ठीक है, जान, क्योंकि मैं बाहर सारी चीजें नोट्स कर लेता हूँ, तो कुछ चीजें जो आपका, जैसे इसमें स्लोगन क्या दिया गया था वो भी देख लेता हूँ। हाँ, इस एप्लीकेशन के लिए जो स्लोगन, यानी कि जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, तो इस पर स्लोगन क्या दिया गया, यानी कि इस पर एक स्लोगन दिया गया, क्या दिया गया, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित, इसका स्लोगन क्या बच्चा, अगर पूछ ले आपसे आरोग्य सेतु जो ऐप है इसका स्लोगन क्या है, तो उसका मैं सुरक्षित हम सुरक्षित, ठीक है, और भारत सुरक्षित, समझ लो,
तीन इसमें क्या जुड़ेंगे, तीन इसके अलग अलग, जो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आरोग्य सेतु जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन में स्लोगन क्या जुड़ा गया, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित और भारत सुरक्षित। ये याद रखना, कोरोना कवच को रिप्लेस किया गया, उसके बाद ये नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या, हाँ, कौन से मंत्रालय ने, तो मंत्रालय आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, समझ लो कौन से मंत्रालय ने, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन मंत्रालय के द्वारा इसे क्या किया गया था, आपका लॉन्च किया गया था, या इसे वर्तमान समय पर जो ऑपरेट कर रहा है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक पर। हमारा अगला जो ऐप रहेगा ये है बहुत ही महत्वपूर्ण, आपका एक कैंपेन जो शुरू किया गया था, मैंने आपको बताया था फीफा के द्वारा, फीफा के द्वारा यानी कि जो फुटबॉल फेडरेशन है फीफा, उसने WHO के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, WHO के साथ मिलकर एक कैंपेन शुरू किया, ठीक है। उसे क्या कहा गया, आपका 5 स्टेप करके था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो याद रखना, फीफा अभियान ने जिसको नाम क्या दिया गया, आपका पासिंग आउट टू कोरोना वायरस, यहाँ पे क्या दिया गया आपका, ठीक है ना, पास, सॉरी पासिंग नहीं, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, इस कैंपेन को फीफा के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया। एक दूसरा था आपका, वो क्या था, ठीक है, वी विन करके था आपका। तो ये क्या है, पास द मैसेज टू किक आउट द कोरोना वायरस, ठीक है। इसमें पूर्व के जो फुटबॉल प्लेयर हैं, यानी कि भूतपूर्व के जो पहले जो फुटबॉल प्लेयर है उनको इसमें जोड़ा गया, और जो इसमें अभी वर्तमान प्लेयर है उनको जोड़ा गया, तो टोटल इसमें 38 क्या है आपके, 38 प्लेयर है, ठीक है, 38 पूर्व और वर्तमान समय के फुटबॉल प्लेयर है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है उन्हें इसमें शामिल किया गया, इस कैंपेन में शामिल किया गया फीफा और WHO के सहयोग से ये चलाया गया कैंपेन। और याद रखना, भारत से इसमें किसे चुना गया, तो भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री को इसमें सेलेक्ट किया गया, यानी कि जो 38 लोग हैं उन 38 प्लेयर में एक भारतीय भी है, उनका नाम क्या है, सुनील छेत्री, ठीक है ना। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फीफा के द्वारा जो आपका क्या है कैंपेन का नाम क्या, मैंने बताया पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, अगर मैं यहां से आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप लोग जरूर कमेंट्स में बताएंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन, WHO के चेयरपर्सन कौन है अभी वर्तमान समय पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है, और दूसरा आपका फीफा के अध्यक्ष कौन है। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे वर्तमान समय पर फीफा के अध्यक्ष कौन है और WHO के कौन है, ठीक है, सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला टॉपिक है, देख लीजिए, आपको मैं पूरे के पूरे डेली सारे के एक साथ नहीं बताऊंगा, बहुत सारे आपका, कम से कम जो, कम से कम मैं अगर बात करूं, मैंने भी काफी सारे लिखा है आपको, और बच्चे ने भी कम से कम 20 से 25 भेजे हैं, ठीक है। तो डेली 5, यानी कि इस वीक के अंदर अगर मैं 5 की बात करूं तो 30 हमारे मोबाइल एप्लीकेशन या अलग अलग जो प्रोग्राम है, कैंपेन है, वो पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो दूसरा क्या आपका, नमस्ते ओवर हैंडशेक, समझ रहे हो, हाथ मिलाने पर नमस्ते अभियान कौन से राज्य सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया था, तो ध्यान दीजिए, कर्नाटक गवर्नमेंट हैज द लॉन्च नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन टू COVID-19। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछने वाला है, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही पूछेगा, नमस्ते ओवर हैंडशेक स्कीम कौन से राज्य सरकार या कौन से देश ने, समझ लो, इसे लॉन्च किया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये किसने लॉन्च किया आपका, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसमें 24 आवर टोल फ्री नंबर भी दिया गया, 104, तो ये तो आपका 24 आवर जो आपका टोल फ्री नंबर है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पूछ सकता है, लेकिन नेशनल लेवल पे हमें यही याद रखना, नमस्ते ओवर हैंडशेक स्कीम, या ये जो COVID-19 से लड़ने के लिए जो अभियान चलाया गया था, ये किसके द्वारा चलाया गया आपका, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा, ठीक। अब यहाँ पे कर्नाटक का नाम आया, तो कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि वर्तमान समय पर मैंने आपको बताया, यहां पर भारत में एकमात्र तितली उद्यान जिसका नाम क्या है, बन्नेरघट्टा, ठीक है, एकमात्र तितली उद्यान बन्नेरघट्टा, ये कहां पे आपका, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग, ये ध्यान दीजिए बच्चे, आपको बन्नेरघट्टा कहां पे है, तो ये है आपका बेंगलोर के अंदर, एकमात्र आपका कहां पे, बेंगलोर के अंदर बन्नेरघट्टा कर्नाटक राज्य में, ठीक। उसके बाद दूसरा कुंद्रे मुख बच्चे आपका किसके लिए जाना जाता है, ये आयरन ओर के लिए जाना जाता है, किसके लिए,
आयरन ओर के लिए जाना जाता है, जो कहां पे आपका, ये भी कर्नाटक राज्य के अंदर ही स्थित है, ठीक है। तो इसके बाद जो अदर होंगे यानी कि जो ऐप होंगे, आप लोगों को कम से कम एक दिन का 5 ऐप मिलेंगे, उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। तो डेली आप लोग क्लास इस वीक के अंदर, मैंने बताया ना, इस वीक के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम की तरह से चलेगा, ठीक। और आप लोगों को भी जो सारी चीजें पता होगी, आप लोग इस कमेंट्स के, यानी कि कई सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है लेकिन अगर मुझे खुद याद नहीं आ रही हो, तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी ये वीडियो की स्ट्रीमिंग समाप्त हो जाएगी, वहां कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब अपने वही स्टडी जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं उसी आधार पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन है ऑपरेशन, जैसे आपका टीम 11 हो गया, ऑपरेशन शील्ड हो गया, प्रयागम हो गया आपका, कोरोना केयर हो गया, कोरोना वॉच एप्लीकेशन हो गया। तो ये सारे के सारे जितने भी ऐप है वो मैं आप लोगों को सिंगल वे में डेली 5 ऐप कराने वाला हूं, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस राज्य में 2 महत्वपूर्ण पुलों को देविका और पुंजा का उद्घाटन किया गया। रिसेंटली केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा क्या किया गया, आपका देविका और पुंजा 2 पुलों का उद्घाटन किया गया। तो कहां पे किया गया, इसके बारे में आप लोगों को कमेंट्स में आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारा कहां पे, जैन के जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अंदर किया गया, ठीक है। कौन से, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश जैन के में। तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश जैन के का नाम आता है, तो सबसे पहले यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, जीसी मुर्मू, ठीक है। और कब आपका ये बना था, 31 अक्टूबर 2019 को हमारा एक दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछना चाहूं जम्मू एंड कश्मीर कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो ये आप लोगों के लिए कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को इसके बारे में बताना, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर कितने राज्यों के साथ कितने देशों के साथ वर्तमान समय पर क्या बनाता है, आपका इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो ये आप को ले रहे, क्या हो गया, एक होमवर्क के तौर पर हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ये ध्यान दीजिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा क्या किया गया, एक वर्चुअल मंच के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर में उधमपुर, आप लोगों ने देखा होगा उधमपुर में काफी बड़ा टनल है, जब हम लोग कटरा जाते हैं तो कटरा से पहले, ठीक है, उधमपुर और टोडा जिलों में क्या किया गया, 2 महत्वपूर्ण देविका और पुंजा करके पुलों का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्या दिया गया, टीबी रिपोर्ट, ठीक है। टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में कितने टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया, समझो, अकॉर्डिंग टू टीबी रिपोर्ट 2020 हाउ मेनी टीबी बच्चे आपका पेशेंट हैव बीन नोटिफाई इन द 2019, 2019 में कितने लोगों को नोटिफाई किया गया, जस्ट वन बच्चे, ठीक है। सभी लोग कमेंट्स करके आंसर देंगे, आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका डी, 24 लाख, यानी कि 2019 में कितने, 24 लाख लोगों को नोटिफाई किया गया, ठीक है ना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा एक आवासीय, ठीक है, वर्चुअल जो माध्यम के माध्यम से वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया। नेक्स्ट बनेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितने, किस राज्य में लघु मध्य और छोटे उद्योगों को क्षेत्रवार कायाकल्प करने के लिए 4,125 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, कहां पे, यहां पे। तो ध्यान दीजिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर आएगा तमिलनाडु के लिए, बिल्कुल टीबी रिपोर्ट में गुजरात आपका नंबर 1 पे है, समझ लो। इसके बाद पूरी की पूरी लिस्ट भी आप लोगों को टॉप 4 तो कम से कम बतानी होगी, ठीक है, आगे क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द एलोकेटेड 4,125 करोड़ रुपए किस चीज के लिए, तो मैंने आपको बताया था ना, स्मॉल मीडियम जो आपका, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके लिए लॉन्च किया गया, दिया गया, तो किसे दिया गया, तमिलनाडु राज्य सरकार को। नेक्स्ट बनेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन ओके, और अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने करी थी, वर्चुअल माध्यम से हुई थी आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, विच कंट्री वर्चुअली होस्ट द 36 आसियान समिट,
आसियान के लिए आप लोगों को अगर याद हो तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, 2018 में जब क्या होता है आपका आरडीपी परेड होती है, आरडीपी यानी कि रिपब्लिक डे परेड होती है, तो उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर इन 10 देशों के, आसियान के अंदर टोटल मेंबर कितने आपके 10 आपके मेंबर हैं, उन 10 मेंबरों को क्या किया गया था, बुलाया गया था मुख्य अतिथि के तौर पर। ठीक है, तो इस समय पर कहां पे हुआ आपका, वियतनाम में। आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी, तो वियतनाम ने करी। अच्छा क्वेश्चन से आपका, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए, 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कोविड-19 के कारण क्या हुआ आपका, तो ये टेलीविजन के माध्यम से, टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही हुआ। ठीक है, वर्चुअल हुआ था। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो दिया गया, 14 नंबर दिया गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे सचिन बंसल के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जो 36 महीनों तक पुनर्भुगतान कार्यालय के, यहाँ पे समझ लो, 5 लाख तक का तत्काल ऋण प्रदान करेगा। यहाँ पे क्या दिया गया आपका, विच एप्लीकेशन वॉज द लॉन्च सचिन बंसल, ठीक है, दैट विल बी प्रोवाइड द इंस्टेंट लोन आपका कितना, 5 लाख तक, ठीक है, रिपेमेंट टर्न आपका 36 मंथ। तो कौन सा लॉन्च किया गया, बिल्कुल नवी कर, यहाँ पे कौन सा लॉन्च किया गया बच्चा आपका, बहुत अच्छा। ठीक है, तो कौन सा होगा, नवी। अब याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल के द्वारा, किसके द्वारा, सचिन बंसल के द्वारा वित्तीय सेवा में स्टार्टअप में, ठीक है, नवी के माध्यम से क्या करा गया आपका, नवी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या आपका, ठीक है, नवी लॉन्च किया गया। समझ रहे हो, सचिन बंसल का नाम आपको ध्यान आ गया ना, कि फ्लिपकार्ट के क्या है, आपके को फाउंडर है, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एनटीपीसी के द्वारा, एनटीपीसी हेल्प द बच्चा विच कंट्री डेवलप द 500 मेगावाट सोलर पार्क। अभी रिसेंटली एनटीपीसी किस देश के मदद के लिए 500 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करेगी, तो कहां पे करेगी, बिल्कुल सही आंसर। आप लोग एक एक क्वेश्चनों के लिए अपडेट रहते हो, माली के अंदर, ठीक है ना, माली कंट्री के अंदर। अगर मैं बात करूं माली, माली जो कंट्री है इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, बमाको। बमाको इसकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई, याद रखना। और टिम्बकटू, टिम्बकटू करके क्या है बच्चे, यहाँ पे एक बहुत ही चर्चित पर्यटक स्थल है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका टूरिज्म प्लेस है, आपका टूरिस्ट प्लेस है टिम्बकटू। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर जो दिया गया, ठीक है, हाल ही में न्यूजीलैंड में राहेल पुजारी ने किस खेल से अपना रिटायरमेंट की घोषणा करी है, रिसेंटली न्यूजीलैंड से, ठीक है, इनका नाम क्या बच्चा आपका, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रसिद्ध आपका, सॉरी यहाँ पे राहुल पुजारी आ रखा है, ठीक है ना, परसिस्ट करके रख, ठीक है, रिचल परसेड अनाउंस हिज द रिटायरमेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स, ठीक है, ये इंग्लिश में, हिंदी में आपका पुजारी आ गया, ठीक है, रिचल परसेड अनाउंस द हिज रिटायरमेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो कौन से स्पोर्ट्स से, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका, किससे बचा इन्होंने, क्रिकेट से, समझ लो, क्रिकेट से, ठीक है, ध्यान देना, राचेल आपका प्रिस्टेड, ठीक है, राचेल प्रिस्टेड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है आपका, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कभी बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है, यहाँ प्रिस्टेड क्या बन गया, पुजारी बन गया। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। खेल मंत्रालय ने देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने की तैयारी की है, मैंने आपको पहले बताया था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप द एस्टेब्लिश हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, तो पूरे भारत में कितने, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका 1000। मैंने बताया था ना आप लोगों को खेलो इंडिया जो आपका, ठीक है, सेंटर जो स्थापित किए जाएंगे स्पोर्ट्स मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में जिला लेवल पर, किस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कम से कम कितने आपके 1000 सेंटर होंगे। आप सभी को ध्यान होगा खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है ना, सभी को याद है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन अब तक कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, पहली बार आपका कहाँ पे हुआ, दिल्ली के अंदर, दूसरी बार पुणे में हुआ और तीसरी बार आपका कहाँ पे, गुवाहाटी के अंदर, ठीक है, दिल्ली में कब, 2018 में, पुणे में कब, 2019 में, और गुवाहाटी में कब हुआ आपका, 2020 में। खेलो इंडिया यूथ गेम
खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पहली बार 2018 में दिल्ली में हुआ और अब तक ये 3 बार इसका आयोजन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग बच्चे आपका, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच स्टेट बैग द ई पंचायत पुरस्कार? प्रत्येक वर्ष आप लोगों को मैंने बताया ना कि 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को आप लोग क्या मनाते हो? पंचायती राज दिवस मनाते हो, पंचायती राज दिवस मनाते हो। तो इस वर्ष ई पंचायत पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया, या ये पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? हिमाचल प्रदेश। किसे दिया गया? आपका हिमाचल प्रदेश को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को दिया गया? एचपी को। ठीक है, अब एचपी के सीएम कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये तो आप लोगों को याद है, यहाँ के सीएम कौन है तो सभी को ध्यान होगा, जयराम ठाकुर। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है तो बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है ना, बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान समय पर क्या है? गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। और उसके बाद अगर यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैंने क्या कहा था कि 2020 में सूरज कुंड मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहां पे होता है? हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में होता है। तो 2020 में हिमाचल प्रदेश क्या था आपका? थीम स्टेट था, समझ लो। थीम स्टेट यानी कि आपका जो सूरज कुंड मेला हुआ उस मेले के अंदर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है, वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, उन सब के बारे में आप लोग उस मेले के अंदर जान सकते थे। ठीक है, उसके बाद आपको अगर मैं कहना चाहूंगा, जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहां से बिलोंग करते हैं? आपके हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, और वहां पे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक टनल थी जिस टनल का नाम बदलकर अटल टनल रखा गया, समझ लो। एक सुरंग थी, उस सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया, कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और 2015 के आसपास आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया, ये भी कहां पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय पंचायत मंत्री के द्वारा ई पंचायत पुरस्कार को प्रथम पुरस्कार हासिल किया है राज्य में, पंचायती राज विभाग को बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यंग, यहाँ पे क्या दिया गया? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ है? ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया द बेस्ट इन कंट्री? ठीक है, भारत में सबसे टॉप पे कौन सा रहा? तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले बता चुका हूं। तो कौन सा आपका? आईआईटी रोपड़। ठीक है ना, इसके अनुसार कौन सा आपका? आईआईटी रोपड़ आपका सबसे टॉप में रहा है। ठीक है, यहां पे समझ रहे हो आप लोग, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड, ठीक है, यंग यूनिवर्सिटी के अनुसार। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना टी एच ई, ठीक है ना, टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला ध्यान दीजिए, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया विमानन मौसम निगरानी प्रणाली, यहाँ पे क्या दिया गया आपका? AWMS। AWMS शॉर्ट में कहा गया आपका, क्या कहा गया इसे? ठीक है, तो यहाँ पे एविक्शन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, AWMS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एविक्शन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम इसके फुल फॉर्म रखी गई। स्वदेशी रूप से विकसित विमानन मौसम निगरानी प्रणाली द्वारा रनवे बनाने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो पहला जो हवाई अड्डा बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? बेंगलुरु। कौन सा बनाया गया बच्चा आपका? तो बेंगलुरु में बनाया गया। ठीक है, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और क्लास डेली आपकी 5:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, समय देख लीजिए आप लोगों के सामने, 5:30 बजे डेली आपकी क्लास शुरू होती है, तब मॉर्निंग में 5:30 बजे आप लोगों को लाइव आना है। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए, मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक स्वदेशी विकसित आपका विमानन निगरानी प्रणाली यानी कि कैंप गौड़ा जो कि है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु के अंदर, कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में है, इसे नए रनवे को स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे
अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा विकसित स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? यहां पे क्वेश्चंस क्या दिया गया, विच एप्लीकेशन वॉज लॉन्च बाय द हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, डेवलप बाय द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऐप को लॉन्च किया गया। साधारण सी भाषा में तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो याद रखिए कौन सा किया गया, आपका ई ब्लड सर्विस। ध्यान दीजिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया उसका नाम क्या, आपका ई ब्लड सर्विस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने वन वर्ड में हमेशा से बताई, एक एक लाइन में, तो सभी लोग याद रखिएगा। और आप लोगों को याद रखने का तरीका मैंने बताया ना, आज आपको रिवीजन कराया जाए, ठीक है, आज मैंने आपको पढ़ाया, कल आपका रिवीजन होगा, फिर आपका वीकली रिवीजन में मिल जाता है, फिर आपका मंथ के एंड में रिवीजन मिल जाता है, तो वहां से आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। कल हम लोग जो अभी जून मंथ के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे कल उसका रिवीजन रहेगा, तो वहां भी आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है? आपसे क्या पूछा गया कि वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, हनोई। वियतनाम, अभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, वियतनाम के अंदर हुआ, तो आपसे पूछ लेगा कि वियतनाम की कैपिटल कहाँ पे है, तो हनोई के अंदर इसकी कैपिटल है। और वर्तमान समय पर चीन और वियतनाम, चीन हांगकांग, चीन भारत, चीन जापान, अभी क्या चल रहा है आपका, बहुत ज्यादा समझ रहे, यहाँ पे विवाद भी चल रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का मुख्यालय कहाँ पे, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? अभी बात करी थी मैंने एनटीपीसी का नाम, जब भी आएगा एनटीपीसी का नाम जैसे आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को क्या याद होगा, 500 मेगावाट का सोलर पार्क लगाने की बात की गई, समझ लो, कहां पर, माली देश के अंदर। अभी अगर आप लोगों को कहीं पर भी जब भी एनटीपीसी का नाम सुनोगे तो आपको सीधा सीधा ध्यान आना चाहिए कि सर ने माली देश के अंदर कुछ बताया था। अगर मैं बात करूं कि भारत और किस देश के बीच में ऊर्जा क्षेत्र में, समझ रहे हो, पावर सेक्टर में एक एग्रीमेंट हुआ, तो आप लोग सीधे ध्यान दोगे भारत और डेनमार्क के बीच में। उसी तरह से अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो एनटीपीसी ने एक समझौता करा है किसके साथ, तो माली के साथ, ठीक है। तो माली कंट्री के अंदर 500 मेगावाट का क्या करेगा, एक सोलर पार्क लगाएगा, कौन, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय आपका कहां पे है, बिल्कुल सही आंसर, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर अभी, जिनका नाम बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है ना, रिचिल करके प्रश्न, अभी क्या करा आपका, संन्यास लिया है, तो न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है, तो न्यूजीलैंड की जो करेंसी है डॉलर, ठीक है। और न्यूजीलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है आपका, तो न्यूजीलैंड आता है आपका ओशिनिया कॉन्टिनेंट में, समझो, ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता आपका, यानी कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहां पर एक एसटी रहती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माओरी, ठीक है, यहां पर एक जनजाति रहती है माओरी जनजाति, न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर ग्रास लैंड को, घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो कैंटबरी कहा जाता है, कैंटबरी, घास के मैदान। जैसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर पंपास हो गया, ठीक है, लानोस हो गया, कटिंगा हो गया, जैसे आपका अफ्रीका में सवाना और वेल्ड हो गया, उसी तरह से न्यूजीलैंड में कैंटबरी कहा जाता है और माओरी कहा जाता है। मैंने कहा था आप लोगों को कि न्यूजीलैंड को दो भागों में डिवाइड करता है, तो उस स्टेट का नाम क्या आपका, तो कुक स्टेट, कौन सी होगी आपकी, कुक जल संधि। आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा कि कुक जल संधि किस कंट्री को दो आइलैंड में डिवाइड करती है, तो वो न्यूजीलैंड को दो आइलैंड में, दो द्वीपों में, समझ लो, एक नॉर्थ और एक साउथ आइलैंड में डिवाइड करता है, ठीक है। हाँ, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे छोटा महाद्वीप भी है, इन्होंने बताया यहाँ पे, सुजीत जी ने बताया कि सबसे छोटा महाद्वीप, मैंने आपको बताया ना कि हमारी पृथ्वी को सात छोटे छोटे द्वीप जिसे हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं, सबसे बड़ा एशिया और एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा ओशनिया हो गया। ओशनिया में आपके कितने, 22 देश है, ठीक है,
तो अभी वहां पे सबसे छोटा नॉर्वे है जो आईएमएफ में जुड़ा था इसी कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, पूछ ले एग्जामिनर न्यूजीलैंड कौन से महाद्वीप में आता है, तो आप आंसर दोगे कि सर ये किस में आता है, ऑस्निया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने 50 लाख छात्रों को शिक्षित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? अच्छा क्वेश्चन सा आपका, विच स्टेट हैज द आपका, ठीक है, एग्रीमेंट विद रिलायंस जियो टीवी क्या करने के लिए 50 लाख स्टूडेंट को, ठीक है, एजुकेट करने के लिए, ये किसके द्वारा किया गया? तो बिल्कुल कौन कर सकता है ऐसा, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। अभी क्या कहा गया, क्योंकि अब ऑनलाइन के माध्यम से ही क्या होगा आपका लर्निंग, ठीक है, लर्निंग होगी। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि 52 लाख, सॉरी 50 नहीं, 52 लाख स्टूडेंट को शिक्षित करने के लिए क्या किया गया, समझौता किया गया रिलायंस जियो टीवी के साथ। समझ रहे हो, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, हाल ही में किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को मंत्रिमंडल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? चलिए अब रिवीजन की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग, तो कौन सा होगा आपका, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर हवाई अड्डा कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखिए एक एक क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है, मैंने हमेशा से कहा कि आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में निजी भागीदारी को मंजूरी दे दी? रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव द प्राइवेट पार्टनरशिप इन द विस सेक्टर, प्राइवेट पार्टनरशिप विस सेक्टर, तो कौन सा सेक्टर होगा हमारा? बिल्कुल किसमें दिया गया, स्पेस सेंटर में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अब जो प्राइवेटेशन की बात की जा रही है तो किसमें आपका, स्पेस, अंतरिक्ष क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो याद रखना मंत्रिमंडल ने ग्रहों की खोज के मिशन सहित अन्य गतिविधियों में क्या कर दिया गया आपका, प्राइवेट क्षेत्र को भी मंजूरी दे दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए एक छोटी सी, ठीक है ना, एक छोटी सी समझ, एक योजना, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, एक योजना शुरू की गई थी जिस योजना का नाम क्या था आपका, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। ठीक है, हिंदी में तो आपका कुछ अलग ही हो गया इसका मतलब, तो याद रखना विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द प्ले लिटिल स्टडी लिटिल जो आपका स्कीम लॉन्च की गई, तो किसने लॉन्च करी थी आपकी, त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। याद रखना प्ले लिटिल समझ लो, और स्टडी लिटिल करके ये योजना शुरू की गई, तो त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे क्या था इसका नाम, एक टू खेलो एक टू पढ़ो, वहां के अगर लो रीजनल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करूं तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो, तो जहां तक मुझे लगता है वैसे ये बंगाली लैंग्वेज है एक टू करके, मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। किसने एक विशेष अभियान चलाकर, यहाँ पे क्या दिया गया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच लॉन्च द स्पेशल कैंपेन, देख ठीक है, एम्पावरिंग द ग्रेटर 50% की बात की गई, तो एक विशेष अभियान इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा क्या ग्रेटर 50% को, ठीक है, सशक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर ठीक है। सरकार ने 2018-19 के वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न में दाखिल करने के लिए समय सीमा को किस महीने तक बढ़ा दिया गया? गवर्नमेंट एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर द आपका, ठीक है, फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर, आईटीआर भरने की जो डेट है उसे कौन से मंथ तक के लिए बढ़ा दी गई, आईटीआर भरने की डेट को कौन से मंथ तक बढ़ा दिया गया? ठीक है बच्चे, आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कम से कम 100+ स्टूडेंट अगर मॉर्निंग में लाइव रहते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप लोगों को लगता है कि 5:30 बजे जल्दी हो रहा है तो मैं आपकी क्लास 6 बजे करवा सकता हूं, लेकिन वो भी अभी तो 5:30 बजे बहुत अच्छा टाइम है। यदि आपको लगता है कि थोड़ा क्लास जल्दी शुरू हो रही है, अब पैरेलल में हिंदी की क्लास भी चल रही है तो आप लोगों को हिंदी भी पढ़ना होगा काफी सारे बच्चों को, इस वजह से मैं समय कम दे पा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं, तो ये डेट कब तक के लिए बढ़ा दी गई आपकी? अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना सरकार के द्वारा आईटीआर को 31 जुलाई तक के लिए, कब तक के लिए भर दी गई बच्चा आपका, तो 31 जुलाई तक के लिए आईटीआर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या दिया गया, हाल ही में किस संस्थान ने
पूर्व छात्रों से 100 करोड़ रुपए की बच्चा बंदोबस्ती निधि की शुभारंभ किया है। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द आपका, ठीक है ना, एंड यहाँ पे क्या दिया गया आपका फंड, ठीक है, 100 करोड़ इज द, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो याद रखना अहमदाबाद, यानी कि कौन सा बच्चा आपका आई आई एम अहमदाबाद के द्वारा ऐसा किया गया, ठीक है, तो याद रखना आपका एंडोमेंट जो फंड जो शुरू किया गया ये किसके द्वारा किया गया, आईआईएम के द्वारा शुरू किया गया, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 संकट के बीच में परिवहन सेवाओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अनिल परब के नेतृत्व में एक क्या बनाया गया, टास्क फोर्स बनाया गया, किसके नेतृत्व में, तो अनिल परब के नेतृत्व में, ठीक है, अनिल परब यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया आपका, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है ठीक है उस पर स्टडी करने के लिए क्या चुना गया, एक पैनल गठित किया गया, और अरब समझो अनिल परब उसके क्या चुनेंगे, हेड चुनेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया, 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग उपलक्ष्य के बाद भारत के बाहर दुनिया में पहला योग विश्वविद्यालय किस शहर में शुरू किया गया, किस शहर में आपका स्थापित किया गया, तो वो शहर होगा आपका कौन सा, मैंने बताया था ना आप लोगों को लॉस एंजलिस में किया गया योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, कहां पर, तो लॉस एंजलिस में किया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में घोषणा के अनुसार समझो शहरी यानी कि आपका शहरी सहकारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों में किस निकाय के प्रत्यक्ष निगरानी में लाया जाएगा, बिल्कुल आपका क्या दिया गया, एज पर रिसेंट अनाउंसमेंट अर्बन आपका कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक विल बी अंडर द डायरेक्टर सुपरविजन ऑफ द विच बॉडी, तो किसके अधीन आएंगे, बिल्कुल आपका किसके, आरबीआई के अधीन आएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन आएंगे। अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया जो भी सहकारी और बहुराज्य जो सहकारी बैंक है वो अब आरबीआई के अधीन आएंगे, ठीक है, आज तक नहीं थे। तो ये थे हमारे आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाब बाई, ठीक है, संग्रह, ठीक है ना, इन्हें क्या, और बीता बाई, ठीक है, नारायणकर और आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से घोषणा की है, यहाँ पे क्या दिया गया, लोक कलाकार गुलाब बाई और बीता बाई, ठीक है, तो आजीवन उपलब्धि पुरस्कार की घोषणा करी है, तो ये कौन से राज्य सरकार ने करी आपका, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा करी है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लोक कलाकार गुलाब बाई, ठीक है, को कौन सा आपका बीता बाई नारायण रोकर, ठीक है, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे को, तो याद रखना आपका किसे, गुलाब बाई को, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और कल भी आप लोगों को यानी इस वीक के अंदर कोविड-19 से, ठीक है ना, कोविड-19 से जुड़े हुए एप्लीकेशन और आपका कैंपेन हो गया और एमसीक्यूज हो गए, तो इस वीक के अंदर हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने आज 5 ऐप रखे थे, वो डेमो के लिए था, आगे इस वीक में हम लोग कोविड-19 से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें भी रिवीजन करेंगे, ठीक है, और डेली का आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं, आशा करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, और जो साउंड का इश्यू था वो भी अब प्रॉब्लम आपके समाप्त हो गए, ठीक है, समझ रहे हो आप सभी लोग। तो आज का जो जो आप लोगों को साउंड का इश्यू आ रहा था तो वो तो अब मैं अब दूसरे स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं, तो आप लोगों को साउंड का इश्यू तो अब नहीं होगा। साथ ही साथ आप सभी लोग अपने परिवार एडी परिवार को शेयर भी करते रहिए, और जो भी बच्चा हमारा जो भी स्टूडेंट चैनल से नया जुड़ता है वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और सभी क्लासों को जो जो क्लासों की आप लोगों को आवश्यकता है उन क्लासों के लिए आप लोग रेगुलर अपडेट रहे, और अपने दोस्तों को भी अपडेट करते रहिएगा, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल करंट अफेयर की क्लास में मॉर्निंग में 5:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।